हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लाइफ विद सौम्या। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मुगलई चिकन रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, एकदम झटपट से बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ आधा किलो चिकन लिया है, इसे अच्छे से धो लिया है और इसका सारा पानी निकाल लिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। साथ ही डाला है नींबू का रस, 1 पूरा नींबू का रस डाल लेंगे। और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए अलग रख देंगे, ताकि जो नींबू का रस नमक वगैरह अच्छे से लग जाए चिकन में। यहाँ पर मैंने 8 से 10 काजू को भिगो के रख दिया था। अब इसका महीन पेस्ट बनाना है, बिल्कुल महीन पेस्ट बनाएंगे। अब ये कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून तेल को डाला है। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। मैंने यहाँ 1 स्टार अनाइस, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4 लौंग, दालचीनी डाला है छोटा सा पीस, जीरा 1/2 चम्मच और 1 तेज़पत्ता डाला है। थोड़ा सा भून लेंगे, जलाना नहीं है बिल्कुल। और इसमें डाला है प्याज, 2 बड़े साइज के प्याज को महीन काट के डाल दिया है। अभी प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज अभी अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने इसमें डाला है चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था, इसका भी कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अभी चिकन का कलर चेंज हो गया है, पूरा व्हाइट व्हाइट सा हो गया है। अभी मैंने इसमें डाला है हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। और डाला है 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। टमाटो केचप का अलग सा स्वाद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अच्छे से मसाला लग गया चिकन में। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर, 2 बड़े साइज के टमाटर को पीस लिया है। टमाटर को पीस के डालेंगे, अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा। और डाला है 4 हरी मिर्च, एक बार मिला लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिलाने के बाद लो फ्लेम में इसे ढककर चिकन को पूरा पकने तक पकाएंगे और बीच बीच में चला लेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके चिकन को पका सकते हो, मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था। बीच बीच में चिकन को अच्छे से चला लिया था, देखिए चिकन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे काजू पेस्ट जो हमने पहले पीस के रखा हुआ था, और साथ ही डालेंगे 1/2 कप दही और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल लेंगे। एक बार अच्छे से मिला लेंगे और एक बार नमक चेक करेंगे, ज़रूरत हो तो नमक डालेंगे थोड़ा सा। और इसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही थोड़ा सा थिक बनता है। चिकन वैसे भी पक चुका है, अब इसे ढक कर लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकाएंगे बस। 2 मिनट हो गया है, मुगलाई चिकन बन के तैयार है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। स्वादिष्ट मुगलाई चिकन बनके तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बनाया है इसे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।